पवन सिंह के फैंस के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो भाई आपको हम हिदायत देते हैं कि ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि जिन लोगों को भाई जानना है कि पवन सिंह के फ़ोन में क्या क्या है, तो भाई ये वीडियो पूरा देखिए और बाद में जान जाइए कि क्या क्या रहता है पवन सिंह के फ़ोन में। वैसे पवन सिंह अपने हर एक इंटरव्यू में ये कहते हैं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे मोबाइल वगैरह का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये पवन सिंह सही कहते हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह का मोबाइल जो है वो हमेशा साइलेंट मोड पे रहता है, क्योंकि पवन सिंह ये कहते हैं, इसके पीछे रीज़न बताते हैं कि अगर वो अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर नहीं रखेंगे तो वो पागल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें दिन में इतनी बार फ़ोन आते हैं कि वो किन किन का फ़ोन उठाएं। रिपोर्टर ने जब पवन सिंह से ये पूछा कि आपके वॉलपेपर पे किसकी फ़ोटो रहती है, तब भाई पवन सिंह ने अपना वॉलपेपर दिखाया और बताया कि मेरे वॉलपेपर पे या फिर जिनको मैं मानता हूँ हनुमानगढ़ी के बाबा को, या फिर मेरे माता पिता की, या फिर कभी मैं अपने ऑडियंस की भी वॉलपेपर रख लेता हूँ। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि भाई पवन सिंह कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं। तो भाई हम आपको अपने इस वीडियो में बता रहे हैं कि पवन सिंह ओप्पो का फ़ोन यूज़ करते हैं। जी हाँ, और हंसते हुए ये कहते हैं, मैं टेक्नोलॉजी के प्रति थोड़ा कम जागरूक हूँ, यानी कि फ़ोन वगैरह के बारे में उन्हें थोड़ा कम नॉलेज है। फिर सबसे ज़्यादा ऐप पवन सिंह कौन सा यूज़ करते हैं, तब पवन सिंह ने बताया कि वो व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और फिर पवन सिंह से पूछा गया कि भाई आपके मोबाइल में कितने नंबर होंगे, तब पवन सिंह ने कहा कि भाई उसकी गिनती तो आज तक मैंने कभी नहीं की। अब फ़ोटोज़ की बात करते हैं, पवन सिंह के मोबाइल में पवन सिंह की एक आध फ़ोटो ही है, वो भी जब उनके दोस्त दीपक ठाकुर खींचते हैं तभी, यानी सेल्फी जब दीपक ठाकुर लेते हैं तभी, क्योंकि पवन सिंह ने यहाँ ये बताया कि उन्हें फ़ोटो खींचने का कोई शौक़ नहीं है और उन्हें अच्छा भी नहीं लगता। अब बात कर लेते हैं कि पवन सिंह को सबसे ज़्यादा मिस कॉल कौन करता है, भाई उनकी पत्नी ज्योति सिंह। और कौन? जी हाँ, पवन सिंह कहते हैं कि उनकी पत्नी अक्सर उन्हें फ़ोन किया करती हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कई तरह के सवालात पूछती रहती हैं। और उनका कहना है कई दफ़ा तो वो उनका फ़ोन भी मिस कर जाते हैं, जिसके लिए उन्हें दो चार बातें सुननी भी पड़ती हैं। भाई आपको इससे रिलेटेड एक और बात बता दें, पवन सिंह कहते हैं कि अगर मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाता है तो मैं उसे ज़िंदगी में फ़ोन नहीं करता हूँ, ये मेरा ईगो नहीं, मेरा स्वाभिमान है। जी हाँ, यहाँ पवन सिंह ये भी कहते हैं कि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि कोई मेरा फ़ोन ना उठाए। फिर पवन सिंह से ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि सुबह उठते ही आप किसे सबसे पहले फ़ोन करते हैं, तब पवन सिंह ने ये कहा कि मैं सुबह सबसे उठते अपनी माँ को फ़ोन करता हूँ, क्योंकि उनसे बड़ा कोई मेरे लिए नहीं है, मेरा सब कुछ लुट जाएगा चलेगा, लेकिन माँ को मैं नहीं खो सकता, मेरी पूरी दुनिया है, माँ है तो सब कुछ है। भाई आगे आपको क्या सुनाए, आगे पवन सिंह से ये पूछा गया कि व्हाट्सएप जो ऐप आप यूज़ करते हैं उसमें कई सारे इमोजीज होते हैं, आप कौन सा इमोजीज यूज़ करते हैं, तब पवन सिंह ने कहा कि मुझे इमोजीज से सख्त नफरत है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि प्रणाम करने के लिए लोग इमोजीज करें, और उसके लिए वो लिख भी सकते हैं, फ़ोन करके बोल भी सकते हैं, डिजिटल की दुनिया है हम सब, और रिश्ते भी डिजिटल होते जा रहे हैं। जब पवन सिंह से पूछा गया कि क्या आप अपनी फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में लेते हैं अपनी, तब पवन सिंह ने कहा कि मैं ज़्यादातर लोगों के कांटेक्ट में रहने के लिए ही फ़ोन उठाता हूँ और करता हूँ, अदरवाइज़ मैं फ़ोन का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, फ़ोन का इतना बड़ा आदी नहीं हूँ, आजकल की दुनिया में लोग फ़ोन के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए इंटरव्यूज़ के दौरान भी तो हम फ़ोन लिए ही हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि पवन सिंह बिल्कुल फ़ोन फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, अपने कांटेक्ट के लिए, अब दूसरों के कांटेक्ट में रहने के लिए पवन सिंह फ़ोन को यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पवन सिंह ये भी कहते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि फ़ोन में कितने सिस्टम होते हैं, इसलिए आप यहाँ ये कह सकते हैं मैं ज़रा भी फ़ोन फ्रेंडली बिल्कुल नहीं।
तो यहाँ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और निरहुआ की तरह बिल्कुल भी पवन सिंह फ़ोन के आदि बिल्कुल नहीं हैं। यहाँ उनकी बातों से ही समझ में आ जा रहा है, क्योंकि कई दफ़ा जब रिपोर्टर ने उनसे ऐप के बारे में पूछा, कई दफ़ा जब रिपोर्टर ने उन्हें स्क्रीनशॉट के बारे में पूछा, तब इन सब के बारे में पवन सिंह उनसे दोबारा पूछते नज़र आए कि ये सब होता क्या है। खैर कोई बात नहीं, अच्छा है, नेचुरल है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।